Hi everyone, so this is Neha Sharma and I am a second year MBBS student from SRVS Medical College. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या MBBS हिंदी में होता है, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स MBBS हिंदी में परस्यू कर सकते हैं। सो मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें MBBS की जो बुक्स थी वो हिंदी में थी उस शॉर्ट में, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि क्या MBBS को हम हिंदी में परस्यू कर सकते हैं, क्या ये हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली, ठीक है गाइस? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज कि MBBS जो है ना यार, वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है? आप MBBS को हिंदी में ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुम खुद देखो, MBBS में तुम एक डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है? तुम दूसरे डॉक्टर से कम्युनिकेट करोगे, तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के डॉक्टर नहीं हो। जब हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हम एक ऐसी फ्रेटर्निटी को ज्वाइन कर लेते हैं जो हर चीज में इंटरलिंक्ड है, ठीक है? हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा केस आए कि तुम्हें कोई साउथ वाले डॉक्टर से कम्युनिकेट करना पड़ जाए, तो तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे? नहीं कर पाओगे हिंदी में, वहां पे उनको तो हिंदी कम आती है, ठीक है? हो सकता है तुम फॉरेन वगैरह में जाओ, तो फॉरेन वगैरह में कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इवन तुम जो टेस्ट लिख के देते हो उसकी जो रिपोर्ट आती है वो भी इंग्लिश में, तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है? लेकिन सिंस जो इंडिया है उसमें हिंदी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट लैंग्वेज है, ठीक है, हमारी मातृभाषा है, इसलिए स्कूल्स वगैरह में हिंदी में कोर्स क्लासेस होती हैं, ठीक है? लेकिन अब जब तुम सीधा 12th तक तुमने हिंदी मीडियम में पढ़ा, इवन नीट का एग्जाम हिंदी में दिया, उसके बाद जब तुम कॉलेज आते हो तो अचानक से इंग्लिश में कोर्स आ जाता है, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देता है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इसीलिए जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी, एमपी गवर्नमेंट है, उन्होंने फर्स्ट ईयर की हिंदी में बुक्स निकाली। जो हम लोग इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हैं उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन है हिंदी में बुक्स, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को हिंदी में पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी में एग्जाम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा MBBS हिंदी में कर लोगे, नहीं। तो फिर वो हिंदी में बुक्स निकाली क्यों गई है? वो हिंदी में बुक्स इसीलिए निकाली गई है क्योंकि आपने 12th तक हिंदी में पढ़ा है। अब अचानक से जब आप MBBS में आते हो, MBBS में एक तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फास्ट कोर्स है, तो ऊपर से आपको वो कोर्स करना है, ऊपर से आपको ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि अब इंग्लिश से, मतलब हिंदी से सीधा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। बहुत डिफिकल्टी आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। तो जस्ट टू हेल्प यू, जस्ट टू गिव यू असिस्टेंस, ठीक है, इसीलिए जो इंग्लिश की ट्रांसलेटेड वर्जन है वो हिंदी में बुक्स निकाली गई है, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, ताकि आप फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ो तो आप वहां से पढ़ के समझ सकते हो। लेकिन आपको लिखना इंग्लिश में ही है, कोई भी कोर्स MBBS का कहीं भी हिंदी में नहीं है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। एंड यार इंग्लिश में होना भी चाहिए, क्योंकि यार आप खुद सोचो, आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप पेशेंट से डेफिनेटली आपको हिंदी में बात करनी होती है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन उनके जो रिपोर्ट्स आ रही है वो इंग्लिश में है, जो आप टेस्ट लिख रहे हो वो इंग्लिश में है, ठीक है? फिर आप दूसरे कोई डॉक्टर से कम्युनिकेट करोगे, वो सब इंग्लिश में, तो हर जगह इंग्लिश चल रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। हमारे बैच में भी बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, तो वो लोग भी अडेप्ट हो गए हैं। उनके टाइम पे तो हिंदी में बुक्स भी नहीं थी, हिंदी में बुक्स अभी पिछले लास्ट ईयर से लॉन्च की है, वो भी शायद मध्य प्रदेश में ही हुई है। तो फिर मैं वही बोलूंगी आपको कि हिंदी में कोर्स नहीं है, ठीक है, और उसकी कोई आप टेंशन नहीं, मतलब वो आप जब जैसे ही MBBS में आओगे ना, जैसे यहाँ क्लास वगैरह होंगी वो होंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली आप ट्रांसलेट कर पाओगे, तो उसकी दिक्कत अभी से मतलब आप बस अपना नीट पे फोकस करो, ठीक है? अगर आपका नीट इस बार हो गया है तो आप काउंसिलिंग पे फोकस करो, एक बार मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, सब इजीली हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।